इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर कर्नाटक सीएम ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सीएम सिद्धारमैया का सनसनीखेज दावा आया है। उन्होंने कहा है कि कर्नाटक सरकार गिराना चाहती है बीजेपी। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस विधायकों को 50-50 करोड़ के ऑफर दिए गए हैं। उन्होंने ये कहा है कि सरकार गिराने के लिए विधायकों को 50 करोड़ का ऑफर मिला है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी पर उनकी सरकार को गिराने की साजिश रचने का गंभीर आरोप लगा है। एक भी कांग्रेस विधायक बीजेपी के प्रलोभन में नहीं फंसा। उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी कभी भी अपने दम पर राज्य की सत्ता में नहीं आई, ऑपरेशन लोटस के जरिए ही सत्ता में आए हैं। तो इस वक्त कर्नाटक के सीएम ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगा दिया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर कर्नाटक सीएम ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सीएम सिद्धारमैया का सनसनीखेज दावा आया है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक सरकार गिराना चाहती है बीजेपी। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस विधायकों को 50-50 करोड़ के ऑफर दिए गए हैं। उन्होंने ये कहा है कि सरकार गिराने के लिए विधायकों को 50 करोड़ का ऑफर मिला है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी पर उनकी सरकार को गिराने की साजिश रचने का गंभीर आरोप लगा है। एक भी कांग्रेस विधायक बीजेपी के प्रलोभन में नहीं फंसा। उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी कभी भी अपने दम पर राज्य की सत्ता में नहीं आई, ऑपरेशन लोटस के जरिए ही सत्ता में आए हैं। तो इस वक्त कर्नाटक के सीएम ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगा दिया है।